अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा आसिफ ढेर दुआ के साथ हाजिर हूँ। अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों, आमीन सुम आमीन। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी अपनी रेसिपी कीमे की लेकर आई हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, इलायची पाउडर, मेथी दाना पाउडर इसमें मैंने ग्राइंड किया हुआ है, काली मिर्च पाउडर, नमक, खुश्क धनिया 1 टी स्पून ले लिया है मैंने सब। और इसमें जाएंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, ये मैंने पेस्ट बनाया है। इसको ब्लेंडर में पानी डाला और 10-12 अदद मिर्चें ली थी मैंने, बारीक वाली, बहुत तेज़ वाली जो होती हैं, उसको ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बना लिया। और उसके अलावा लिया है मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं मैंने बड़े साइज़ के, उनको अच्छे से चॉप कर लिया, फाइनली चॉप कर लिया। और प्याज लिया है मैंने, प्याज लिया बारीक बारीक चॉप कर लिया, हाथ की मदद से काट लिए, 2 दरमियानी साइज़ के प्याज थे। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, और वो हरी मिर्ची और वो अदरक ऊपर से जाएगा। और मैंने कीमा लिया है 1/2 किलो कीमे की मकदार के लिए, ये मसाले हैं, 1/2 किलो कीमा लिया है, अभी बर्फ़ जमी है इसमें। चलें स्टार्ट करते हैं पकाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सारे मसाले, और ये हम पतीली ली है, ऑयल गरम किया है, 1 कप ऑयल डाला है, अच्छे से गरम कर लिया है। खुश मसाला जात, नमक मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च इसमें जाएगा, अच्छा से तड़का लग गया इन मसालों का और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो फिर हम ये देखिए अच्छे से खुशबू आने लगी है, अच्छा सा कलर आ गया है, इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर वगैरह सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब जाएगा इसमें टमाटर कटा हुआ, लहसुन अदरक, प्याज, सारी ये चीज़ें चली जाएंगी। इस मसाले को हम भूनेंगे, भुनाई करेंगे, और अभी इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसकी सिर्फ भुनाई करेंगे, खड़ा खड़ा मसाला रखेंगे। 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इसमें चला जाएगा, इसकी भुनाई कर लेंगे, अच्छे से भुनाई कर लेंगे, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। जब प्याज और टमाटर अच्छा सा भुनाई हो जाएगा तो फिर हम इसमें कीमा डाल देंगे। ये देखिए अच्छा सा कलर आ रहा है, अभी खड़ा खड़ा ही है, प्याज टमाटर वगैरह सारा हमारा मसाला इसी तरह खड़ा खड़ा रखेंगे। और इसमें चला जाएगा कीमा, 1/2 किलो कीमा डाल दिया, और अब हम डाल देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबल स्पून डाल दें, 1 टीस्पून डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, बाकी ये हरी मिर्चें हैं, काली मिर्चें भी डालनी थी। अब अच्छे से इसको हला लिया हमने, ऊपर से जाएगा 1 गिलास पानी का, अच्छे से इसको पकने देंगे, इसको वक्फे वक्फे से चेक करेंगे। इसकीमे पर हमें तकरीबन 45 मिनट ज़रूर लग जाते हैं, लेकिन हम 15 मिनट के बाद खोलेंगे ढक्कन और इसकी बर्फ़ मेल्ट हो गई होगी हमारे कीमे की, तो फिर हम इसको वक्फे वक्फे से खोलते जाएंगे और देखते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। पानी हमारा थोड़ा कम हो गया है, पानी और हम डाल देंगे 1 गिलास, और इसको दोबारा से ढक देंगे। हमारी बर्फ़ अभी मेल्ट नहीं हुई है, बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी तो इसको कीमे को हम चमचे की मदद से खोल लेंगे और इसको फिर से ढक देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। 45 मिनट ज़रूर पकाएं कीमे को। चलें अब हमारी मेल्ट हो गई है बर्फ़, देखिए ऊपर से नज़र भी आ रहा होगा, मैं आपको चेक करवाती हूँ। अब ये देखिए कितना वो अभी उसका स्टीम बनी हुई है, सारा कीमा हमारा खुल गया है अच्छे से। अभी थोड़ा पानी है, अभी पानी है, ये देखिए अभी पानी है, अभी खुशक करेंगे इसको हम, फिर बाद में भुनाई करेंगे। चमचा इसलिए हिला रही हूँ कि अंदर अगर कोई गिल्टी है उसकी कीमे की तो वो खुल जाए अच्छे से। चमचा अच्छे से हिला देंगे हम, और अभी इसको और पकने देंगे। अभी देखिए पानी है इसमें, पानी खुशक हो जाएगा तो फिर हम अच्छे से भुनाई करेंगे। हमने दोबारा ढक दिया है, इसे ढक दिए, अब हम इसको पकने देंगे जब तब तक कि जब पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसकी अच्छे से बनाई करेंगे, फिर मैं आपको डिश आउट करती हूँ और दिखाती हूँ। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। बिल्कुल भुना हुआ कीमा बना रही हूँ, बिल्कुल ड्राई,
इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। देखिए पानी बिल्कुल खुशक हो गया है, इसकी भुनाई कर लेंगे 15 मिनट के लिए। इसको 45 मिनट पकाने के बाद इसको 15 मिनट तो ज़रूर भुनाई करें, मैंने भी 20 मिनट तो ज़रूर भुनाई की थी। जितना भूनेंगे आप उतना ही मज़ेदार बनेगा। 20-25 मिनट ज़रूर भूनें, अगर ज़्यादा नहीं भूनना तो 15 मिनट तो ज़रूर भूनें। इसमें अब चला गया कटा अदरक, कटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें को चली जाएंगी, अच्छे से भुनाई कर लूँगी। अच्छे से बनाई हो रही है, तेल ऊपर आ रहा है, बबल्स बन रहे हैं, कितना मज़े का कलर आ रहा है। स्टीम की वजह से अभी सही नज़र नहीं आ रहा, अभी मैं आग बंद करूँगी तो फिर डिश आउट करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्लेटर तैयार कर लिया है मैंने, चावलों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जिस चीज़ के साथ आप पसंद करते हैं खाएं। वाइट चावलों के साथ भी बहुत मज़े का लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है वाइट चावलों के साथ भी। अच्छे से डिश आउट करें तो बहुत ही और भी अच्छा लगता है खाना। अच्छा सा प्लेटर तैयार कर लिया हमने, चावलों को सेंटर में रख के साइड पे हम कीमे को खिला देंगे। सर्कल में हमने कीमा रख दिया, थोड़ा सा प्याज रख देंगे, थोड़ा सा हमने प्याज रख दिया और हम थोड़ा सा ऊपर धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया रख दिया, थोड़ा सा साइडों पे कीमे पे डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दिया। आप मेरी रेसिपी को ट्राई किया करें, ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना लजीज बनता है इस तरह से, और मुझे दुआओं में याद रखा करें। देखिए मज़ेदार सा कीमा तैयार है।